कौन है यार? अरे ये तो अंजू है। ओए भाई साहब, कैसे गाड़ी चलाते हैं आप लोग? One sec. ये मेरे cousins हैं and she's my mom and he's my friend Karan. Oh, I'm so nice sorry. To meet you, Karan. Hi, nice meeting you. Hi. Nice meeting you. Hi. मेरे को भी. नमस्ते. नमस्ते. I'm so sorry. Rash driving होगी थोड़ी सी. कोई बात नहीं. इनको कभी घर ले आओ. Oh yeah. Okay now. जरूर. ठीक है तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ. All right. आना. अच्छा. आना. बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर. हाँ मैं भी. अच्छा नमस्ते. Bye. नमस्ते जी. जी नमस्ते. Bye bye. आओ बेना. आओ. Bye. अरे बाबू भाई आप अकेले खड़े हो? नहीं नहीं हाथ में ग्लास है. अरे अभी क्लास ढूंढ के आता हूँ. हेलो. क्या बात है भाई साहब? चलो. यकीन मानो तो आज भी इन बड़ी पार्टियों में आकर मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस करता हूँ. पापा, मीट करण. हाय अंकल. ओह माय गॉड, ही सो हैंडसम. अंजू, आई लाइक योर चॉइस. थैंक यू पापा. मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे डायमंड मिल गया है. थैंक यू. तो मेरी बेटी को पसंद करता है. तुमने मुझ पर एहसान किया है. कम ऑन अंकल, अपनों पर एहसान करके ऐसे भी इंसान खुद पर एहसान करता है. वैसे मोहब्बत एहसान नहीं, मर्जी होती है. अच्छा बोलता है. आई लाइक इट. हमको तुमसे मिलना मांगता था इसलिए हमने एक छोटा सा पार्टी रखा है. लेकिन मुझसे मुलाकात करने के लिए आपने इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी थी? ओह मैन, मेरा शिपिंग का बिजनेस है. हमारे पास बहुत पैसा है. 40 ships. आज इंडिया में हूँ, कल लंदन में हूँ, परसों कैनेडा. तुमने मेरी बेटी को पसंद किया और मैंने तुम्हें अपना सन इन लॉ. तुम्हें मुझे बताया नहीं तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो. डैडी को ऐसा दामाद चाहिए था जो सिर्फ उनकी बेटी से मोहब्बत करे, उनके पैसों से नहीं. ये तो अच्छा है कि तुमने मुझसे हकीकत छुपाए रखी, वरना मैं ये अलग से कुछ कपड़े पहन रखे. चलो अंजू, मैं चलता हूँ. जाना जरूरी है क्या? नहीं कोई खास नहीं. तुम कहो तो मैं गर्दमात बन जाता हूँ. मजाक मत करो, आज तुम रुक जाओ. ए, ये डैडी ने तुम्हें इजाजत क्या दे दी? तुम तो बड़ी तेजी से निकल रही हो. सोच लो कहीं तहजीब के दायरे ना टूट जाए. होने वाली बीवी की बात सुनना भी एक तहजीब होती है ना. एक एक जाम हो जाए. जाम? हाँ? तुम पीती हो? बहुत पहले कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास होने पर स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में पी थी. और आज ये सच जो तुम्हारी आंखों में बेदाग चांद की तरह दमक रहा है, इस सच के नाम पे हो जाए एक जाम. Hey, प्यार करने वालों के जाम दो नहीं, जाम एक होता है. जाम में वो बात कर जो इस जाम में.
मैं तुम्हें इस खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैंने कोई खून नहीं किया। ये तुम कोर्ट में बताना। चलो। अब तो गया साला। बस गया। मुजरिम खून और इस पुलिस वाले के माथे से निकला हुआ खून दोनों मिल गए हैं। बन गए ना तुम पक्के खूनी। जमादार, ये चारों हसीनाओं को बाबू करेला की तरफ से ठंडा फ्री में दे डाल। जी साहब। क्या बात है बाबू, या तो टुक्की मार के सिंगल रन लेने का सोच रहा था या तो सीधा चौका बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अंदर कहाँ जा रहा है? अरे यार तुम लोग इधर ठंडा ठंडा बियर पी के जान बना रहे हो, वो मेरे को मार डालेगा यार। देखो। अरे कौन? अरे वो करण यार। करण? किधर है करण? आज मार डालेंगे उसको। हलवा है वो, आएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। अरे वो आएगा लेकिन दो तीन जन लोग को लेके जाएगा, लेकिन ये चौथा क्यों? ये चौथे का चौथा क्यों यार लेके जाना? तो तेरे को ले जाए, तेरे को मेरे को क्यों यार? तू कमजोर है ना इसलिए। तो बॉर्नविटा पियूं, हॉर्लिक्स पियूं? एक काम करो यार, वो बड़े मास्टर को फोन करो, बोले ये छोटे से स्टूडेंट की लाइफ खतरे में है यार। ओए करेले, ये खांपना बंद कर। छोटे से काम के लिए बड़े मास्टर को याद करने की क्या जरूरत है? अरे वो करण जेल तोड़ के भागेला यार। भाग गया तो क्या हुआ, मेरे हाथों एनकाउंटर में मारा जाएगा। ए भाई, जब तू उसको मारेगा ना तो बरोबर उसके पास नाक के पास हाथ ले जाके देखना, सांस चल रही है क्या, उसकी नाड़ी देखना, अगर वो खड़ा हो गया तो तेरे को लेके जाएगा। अरे वो बहुत डेंजर। ये तो कायर है यार, कायर।
अभी कायर है के मोटर का टायर अपन पंक्चर है बाबा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।